हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर से स्वागत है कि नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किसी भी जियो नंबर का हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि वह सिम किसके नाम पर रजिस्टर है, किसके नाम पर लिया गया है और उसका जो कॉल डिटेल है वो भी पर्सनली निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप किसी भी जियो नंबर का कॉल डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल का आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप जिस भी ब्राउज़र का यूज करते हैं उस ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गूगल को ओपन करूँगा। गूगल ओपन करते हैं क्योंकि गूगल सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे जियो, क्योंकि हमें जियो का हिस्ट्री निकालना है तो यहाँ पर जियो को सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो उनका जो वेबसाइट है, होम ऑफिशियल वेबसाइट, वो आपके सामने खुल जाएगा। देख सकते हैं जियो 4G LTE नेटवर्क। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन हो जाए उसके बाद देखिए ऊपर 3 अंडरलाइन दिख रहा है, 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप जब भी यूज करते हैं ब्राउज़र को तो आप डेस्कटॉप साइट में यूज कीजिए ताकि आपको ज़्यादा सिंपल लगे और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर साफा साफा सब चीज़ दिखता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इधर 3 अंडरलाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो इधर आपको देखिए साइन इन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इस साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसमें अपना जिसको भी कॉल डिटेल निकालना है उसको नंबर डालिए और आपको कॉल डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे जिस भी नंबर का कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक नंबर डालकर दिखाता हूँ, वो भी लाइव डेमो के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जियो का है। तो देखिए यहाँ पर नंबर डालने के बाद आपको गेट OTP का ऑप्शन मिलता है। तो गेट OTP जैसे क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा। जिस भी नंबर का आप कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं उसके नंबर पर एक OTP जाएगा। तो आप उनसे धीरे से या चुप्पे से मोबाइल लेकर उनका OTP ले सकते हैं और जाँच कर सकते हैं, नहीं तो आप उनसे पर्सनली मांग भी सकते हैं। तो चलिए हम गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं ताकि हमको OTP मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है OTP हैज बीन सक्सेसफुली सेंट और मेरे मोबाइल पर मैसेज भी आ चुका है। तो चलिए हम उस OTP को ले लेते हैं और यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया और मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं कि ऊपर में आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और जिसके नाम पर रजिस्टर है वो दिखाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर में शो होगा नेम। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो कॉल डिटेल है या उनका जो कॉल डिटेल है वो कैसे देखेंगे। तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा नीचे चेक यूजेज का ऑप्शन, ठीक है, बैलेंस के नीचे चेक यूजेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको उसके बारे में जो भी डेटा यूज होगा, लोकल कॉल होगा, वो भी सारा मिल जाएगा। तो देखिए आपको डेटा के बगल में कॉल्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कॉल्स पर क्लिक करते हैं और उसको दिखाते हैं आपको कॉल डिटेल, जो किससे बात किया गया है और कितने बजे कितने टाइम, ठीक है। यदि आपका जो आपके दोस्त का मोबाइल या किसी फ्रेंड्स का मोबाइल है वहाँ पर डिलीट भी कर दिया जाता है उनके कॉन्टैक्ट से, तब भी यहाँ पर आपको शो होगा वो नंबर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकल कॉल है, जो भी है लोकल कॉल से, यानी मेरे फ्रेंड्स का है, रिलेटिव का है, जो भी आसपास के मेरे रहते हैं उन लोगों का फ़ोन नंबर है। देख सकते हैं कॉल टाइप है लोकल, फ़ोन नंबर आपको दिख रहा है लेकिन हाइड है। और वो भी देख सकते हैं जो पिछला है और 2-3 दिन पहले का भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं कितने बजे कॉल आया है। इस तरह से आप A to Z चीज़ चेक कर सकते हैं। और इधर देख सकते हैं कि आप कितने देरी के लिए अपने बात किया, कॉल ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम के लिए अपने बात किया है। तो देख सकते हैं 11 सेकंड, 4 मिनट, 40 सेकंड, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। तो आप यहां से सारा डिटेल चेक कर सकते हैं A to Z चीज़। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे कुछ भी इस वीडियो में गलती हुआ तो मुझे इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फीडबैक देख कर इसे इम्प्रूव करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।